तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक डीसोल्डिंग मशीन बना के दिखाऊंगा। इस मशीन से आप किसी भी एलईडी प्लेट को रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी आईसी को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग जैक को भी चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस मशीन को आप घर पे बना सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 रुपये का खर्चा आएगा। मार्केट से अगर आप एक हॉट आयरन मशीन खरीदेंगे तो उसका प्राइस यहाँ पर 1500 से 2500 रुपये के बीच में होगा नॉर्मल प्राइस, लेकिन इस मशीन को आप 15 से 20 रुपये के खर्चे में आसानी से बना सकते हैं। तो इसे किस तरीके से बनाना है उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस तरीके के एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर से बनाऊंगा। आपको स्विच के लिए और वायर के लिए कुछ इस तरीके से इसमें कटिंग कर लेनी है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के दो पीस यूज कर रहा हूँ प्लाईबोर्ड के, तो आपको इस तरीके से दो पीस यहाँ पे ले लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक हीट सिंक यूज कर रहा हूँ। आप इसमें किसी भी तरह की हीट सिंक यूज कर सकते हैं, बस आपको इसकी लंबाई यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लेनी है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आ सके। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे। तो अब इसका फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक 35 वाट का एलिमेंट ले रहा हूँ। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आपको 10 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक ऑन ऑफ स्विच ले रहा हूँ यहाँ पर, और इसके लिए मैं एसी लाइट का यहाँ पर एक वायर ले रहा हूँ जो कि प्लग के साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके का आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एलिमेंट है उसे आपको हीट सिंक के अंदर कुछ इस तरीके से फिट कर देना है। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको हीट सिंक की लेंथ यहाँ पे रखनी है कि ये इसमें इजीली यहाँ पे फिट हो पाए। आप इसे इंस्टा ग्लू से चिपका भी सकते हैं। अगर आपका जो हीट सिंक है उसमें ये लूज आ रहा है तो आप इसे इंस्टा ग्लू से भी चिपका सकते हैं। इसका फ्रेंड्स यहाँ पर जो वायर है एलिमेंट के उसे हम लकड़ी के दोनों टुकड़ों में से दोनों साइड से आपको निकाल लेने हैं, अलग अलग साइड से। यहाँ पर चाहे तो आप एलिमेंट के जो वायर हैं इनमें आप फाइबर कैप का भी यूज कर सकते हैं जो कि वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज में आता है, और चाहे तो आप हीट सिंक के अंदर भी उसके बीच में से लगा सकते हैं। वैसे तो एलिमेंट में करंट नहीं आता है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर इंस्टा ग्लू से जो हीट सिंक उसे इस लकड़ी के ऊपर यहाँ पर चिपका लेता हूँ, और इसके जो साइड वाले पीस हैं इन्हें मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ पर चिपका लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर दूसरी वाली साइड को भी चिपका लेता हूँ। तो आपको दोनों साइड यहाँ पर इंस्टा ग्लू से अच्छी तरीके से चिपका लेनी है, और आपको इसमें लकड़ी यूज करनी है। आपको इसमें जो पीसी वाइप की सीट होती है वो आपको नहीं लगानी, क्योंकि जो एलिमेंट हीट करेगा तो वो यहाँ पर जल जाएगी। तो आपको इसमें लकड़ी यूज करनी है तभी अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके वायर को मैं यहाँ पर स्विच के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, और जो डायरेक्ट एसी लाइट वाला प्लग है उसे मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बीच में से एक वायर को कट करके मैंने यहाँ पर स्विच को ऐड कर दिया है, और दूसरे वायर पर मैंने यहाँ पर टेप लगा दी। चलिए मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्विच को इसमें लगा दिया है, जो प्लग है एसी लाइट का उसे ही मैंने बाहर निकाल लिया। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो वैसे तो फ्रेंड्स इसमें करंट नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको इसे सावधानी से यूज करना है, क्योंकि ये 220 वोल्ट एसी करंट से चलता है। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको इस पर पेस्ट लगा के दिखा देता हूँ। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स यहाँ पर जो हीट सिंक है वो गर्म होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर जो पेस्ट है वो भी यहाँ पर पिघल रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं आपको एलईडी के साथ इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एलईडी हैं, तो चलिए मैं आपको इन्हें डीसोल्ड करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं जो ख़राब एलईडी है उसे आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर के यहाँ पे जो एलईडी है वो रिमूव हो रही है कि नहीं। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो एलईडी है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर रिमूव हो रही है। जो एलईडी का पीसी बोर्ड है वो भी काफ़ी हीट कर रहा है यहाँ पर, और जो आईसीएस के ऊपर लगी है वो भी यहाँ पर रिमूव हो रही है। मैं आपको दूसरी वाली को दिखाता हूँ। देख पाऊँ फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इस तरीके से आप किसी भी ख़राब एलईडी को चेंज कर सकते हैं, उसे रिपेयर कर सकते हैं घर पे। चलिए मैं आपको दूसरी वाले जो एलईडी उसे भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो दूसरी एलईडी है ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिए। चलिए इसे भी देखते हैं कि इसके यहाँ पे जो एलईडी वो निकलती है नहीं। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी एलईडी अच्छी तरीके से यहाँ पर रिमूव हो गई। चलिए दूसरी वाली को भी देखते हैं। आप इस तरीके से जो चार्ज जैक होता है मोबाइल फ़ोन का उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी एलईडी को या आईसी को आप इजीली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने में आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बस आपको इसे सावधानी से यूज करना है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो यहाँ पे 220 वोल्ट एसी करंट चलता है, तो इसमें आपको करंट लग सकता है। तो आपको इसे सावधानी से यूज करना है। एलिमेंट के अंदर आपको एक फाइबर कैप जरूर लगा लेना है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल सके।